हाय फ्रेंड्स, आज मैं चने की दाल और चावल से बहुत ही यम्मी नाश्ता बनाऊंगी। चने की दाल को मैंने 6 घंटे सोख किया है, काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया है। और ये चावल भी 6 घंटे सोख किया है, ये अच्छी तरह से फूल गया है। ये मैंने मैदा ले लिया है, प्याज, मिर्ची और 2 बैर आलू। तो चने की दाल और चावल को मिक्सी ग्राइंडर में हम ग्राइंड करेंगे। तो बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। उसमें मैंने पानी थोड़ा ऐड किया क्योंकि मुझे महीन पेस्ट बनाना था। अब इसमें प्याज मिर्ची डाल देंगे हम। ये मैश किया हुआ आलू भी, मसालों में नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा, अब इसमें जरूरत के अनुसार हम मैदा मिलाएंगे। इसको हाथ से करते हैं, हाथ से सही रहेगा। मुझे डो के फॉर्म में एक बनाना है इसको। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही मैदा इसमें ऐड करेंगे। परफेक्ट तैयार हो गया। अब इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे, फिर इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब चलिए गैस की तरफ चलते। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। अब इसकी छोटी छोटी रोटी की रोशनी से बाउल बनाएंगे हम, उसमें डालेंगे। मुझे इसे सैलो फ्राई करना है, इसलिए मैंने इसमें तेल कम डाला है। एक बार में जितने आए उतने ही डालिए इसमें। गैस को धीमा ही रखेंगे, उस साइड भी हम पलट देंगे इसको। गैस को धीमा ही रखेंगे, उस साइड भी हम पलट देंगे इसको।
कचौड़ियों को निकाल लेंगे, काफी क्रिस्पी हो गई है। साइड पे पलट देंगे। कचौड़ियाँ मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं, अब मैं इनको भी निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, कचौड़ी मेरी बनके तैयार हो गई है, ये देखिए कितनी यम्मी बनी है। आप भी अपने बच्चों के लिए ऐसे बनाइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को शेयर करना ना भूलिए, जिससे आगे आने वाली कोई भी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके।